बड़ी खबर कानपुर देहात से है, जहां पिता ने लाइसेंसी बंदूक से अपने पुत्र पर गोली चलाई। वहीं पुत्र के सीने में गोली लगने से मौके पर ही पुत्र की मौत हो गई। बता दें कि जमीन के बंटवारे को लेकर पिता और पुत्र के बीच जमकर विवाद हुआ था। इस दौरान गोली लगने से पुत्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना से इलाके में फैली सनसनी और परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस और भारी पुलिस बल के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। थाना सोली के ज्योति सरैया गांव में देवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने, जिनकी उम्र लगभग 60 साल है, अपने डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक से अपने बेटे रसपाल सिंह को गोली मारी है। उनके सीने में गोली लगी है और वो मौके पे ही एक्सपायर हो गए हैं। पिता पुत्र में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें ये गोली चली है। शेष पुलिस मौके पर पहुंची है, बंदूक को बरामद कर लिया गया है। शेष नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।